हेलो, आज एक कस्टमर की कंप्लेन आई है कि उसके प्राइवेट नेम सर्विस वर्क नहीं कर रहे। तो मैंने उसको बोला कि आप गूगल मीट पे आ जाएं, तो चलें देखते हैं उसका क्या इश्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक गूगल मीट की मीटिंग स्टार्ट करनी है। ये मेरी गूगल मीट की मीटिंग एक्टिवेट हो गई है। अब ये लिंक उसको प्रोवाइड करना है कस्टमर को। वेट करते हैं जब तक वो एक्सेप्ट करता ऑफर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगे? जी, वो मैंने पीसी, वो दूसरा पीसी है यहाँ पे। तो पीसी को भी साथ में ऐड कर मतलब कि लेना। इसमें ये सेम लिंक आप पीसी पे भी ओपन करें, जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया ना, यही सेम लिंक जाके पीसी से भी ओपन करें और ज्वाइन कर लें मीटिंग। कोई मसला नहीं है। जी, इस पे माइक और वेबकैम नहीं है ना कोई इसपे। मसला नहीं है। आवाज़ आपकी मुझे मोबाइल के थ्रू आ जाएगी और स्क्रीन में आपकी कंप्यूटर की देखूंगा। जी, समझिए। तो ये मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, अब आप पीसी से अपनी स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। तो जी, ये आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। तो अब ऐसा करें कि आप वो मेरा ओपन ये करें, मैं अपना क्लाउड नेमचीप अकाउंट ओपन करें और ये प्लेयर डोमेन ओपन करें, एडवांस डीएनएस पे क्लिक करें। स्क्रॉल करें, सर्च पे क्लिक करें, वो जो सर्च का बटन है स्टैंडर्ड नेम सर्वर के आगे, नहीं, आगे जी सर्च के, सर्च जो लिखा हुआ है, सर्च जी स्टैंडर्ड नेम सर्वर के बिल्कुल सामने जी सर्च लिखा हुआ है ना, इसको ओपन करें। ये देखे ना, यहाँ पे आपने गलत नेम सर्वर अपडेट किए हैं। यहाँ पे आप करेक्ट आईपी एड्रेस प्लेस करें ना। आप ये क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हैं इस डोमेन पे? जी वो क्लाउड फेयर का मैंने डाला हुआ है, मतलब ठीक है, फिर आपको अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में लॉगिन करके तो वहाँ पे भी आपको ए रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। वहाँ से मैं नहीं, आईपी एड्रेस अपडेट करनी है। ये ऐसा करें ना, वापस ओपन करें वही टैब। नहीं, वही टैब ओपन करें बस, ठीक है, जो पहले ओपन की हुई थी WHM वाली। यहाँ पे अकाउंट लिस्ट ओपन करें। हाँ ये अकाउंट लिस्ट, एक मिनट, सी पैनल का ना होम पेज चला जाता है। ये याद आपकी है आईपी एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लें। ये वाला नहीं है। हाँ यही यही को, वाला है। यही आईपी एड्रेस है, इसको जस्ट कॉपी करके तो उधर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है? जी, ये मतलब क्लाउड फेयर पे करना ना ये। वो नेमचीप अकाउंट में भी करना है और क्लाउडफ्लेयर में भी करना है, दोनों में करना है। क्लाउडफ्लेयर में एयरकॉर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे यहाँ प्राइवेट नेम पे सर्विस के आगे डोमेन नेम अपडेट करना है। आईपी एड्रेस के सामने तो वो सेम डाल देना ना हाँ जी, दोनों। बस नीचे वाले में भी क्लिक करें। हाँ अब ओके, ये आगे टिप के निशान पे सेव क्लिक कर कर देना लें। दोनों। अच्छा, अब ये ऐसा हो करें, वो गया। क्लाउडफ्लावर अकाउंट ओपन करें अपना। क्लाउड फ्लेयर में कौन सा है साइन इन मेरे? करें।
एक मिनट मैं चेक करता कौन सा ईमेल आई मेक श्योर ये रिकॉर्ड पहले ही क्रिएट जी। हुआ होगा, वहाँ पे आपने जस्ट ओनली आईपी अपडेट करनी है। जी वो मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपका क्लाउडफ्लेयर अकाउंट लॉगिन हो गया, आप डोमेन नेम सेलेक्ट करें। ये गुड, डीएनएस रिकॉर्ड पे आप आ गए। ये देखे ना, NS2 आपने क्रिएट किया हुआ, लेकिन NS1 नहीं है ना, ये माई किया हुआ है आपने। NS1 किधर क्रिएट किया? ये है जो नहीं, NS1 लिखे एक यहाँ पे, रूट नहीं लिखे, NS1 रूट नहीं लिखे, NS1 मिनट लिखे यहाँ पे। हाँ एनएस वन सेम आईपी एड्रेस अपडेट कर लें, ठीक है सेव पे क्लिक करें। जी अब आपके नेम सर्वर्स एनएस वन अभी ऑटोमेटिकली वर्किंग करना आपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जी और कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी इसके अंदर और एक चीज ये मैंने किया था लेकिन क्या हो रहा है ना कि कोई अगर परचेस कर रहा है ना पेयू का मैंने गेटवे लगाया हुआ है इसके अंदर ठीक वो है तो लेकिन कोई डब्ल्यू भी एच एम सी परचेस एस से कर रहा है तो रेलिवेंट वो है ना, रेस्पॉन्स कर रहा है। जी उसके लिए आपको डब्ल्यू एच एम सी एस की हेल्पलाइन से जो है ना हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो सिर्फ होस्टिंग से रेलिवेंट कंसर्न है ना। जी 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 और ये मतलब कि रिसेलर में सेल कर सकता हूँ ना इसमें हाँ जी कर सकते हैं। जी वो 50 अकाउंट आपने दिया हुआ है उसके अंदर एक जी, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। और कुछ जी पूछना चाहेंगे आप? और मतलब कि जी जी नहीं बस अच्छा मैं बस अब, यही था कि मतलब नेम सर्वर हाँ जी, ये नेम सर्वर का नेम आपका हो सर्वर गया। जो है वो वर्क नहीं कर रहा और भी कोई इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक थैंक यू, मिनट मैं अब कॉल रखता हूँ। जी तो ये थे हमारे दोस्त जिनको प्राइवेट नेम सर्वर क्रिएट करने में इशू आ रहा था। आप भी अगर पोलियोस की सर्विस यूज़ करते हैं और आपको भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी सेम एज इट इज़ हर इशू पे ऐसे ही रहनुमाई की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।